हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं, फिर चाहे वो रॉकस्टार हो या फिर वेकअप सिंह। बॉलीवुड के सावरिया ने हमेशा ही अपनी एक्टिंग के जरिए लोगों का दिल जीता है। वहीं आज हम आपको बताएंगे कि उनके अब तक के करियर की ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बारे में जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बनाई सेंचुरी। नंबर 1, बर्फी। इस फिल्म में रणबीर ने एक डीफ एंड म्यूट लड़के का किरदार निभाया था। फिल्म में उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। अनुराग बासु के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रणबीर के साथ साथ प्रियंका चोपड़ा और इलियाना डिक्रूज भी इम्पोर्टेंट रोल में नजर आई थी। बता दें कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक शुरुआत की थी, लेकिन बाद में ऐसी खबरें आई थी कि बर्फी को भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए भेजा जा रहा है, जिसके बाद फिल्म को माउथ पब्लिसिटी का काफी फायदा हुआ और फिल्म ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर लाइफ टाइम 112 करोड़ 15 लाख रुपए की कमाई की थी। ये रणबीर की पहली 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली फिल्म थी। नंबर 2, ये जवानी है दीवानी। करण जौहर के धर्म प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म ने लोगों का दिल जीत लिया था। साल 2013 में रिलीज हुई ये फिल्म रणबीर और दीपिका के साथ में दूसरी फिल्म थी। अपने ब्रेकअप के बाद उन्होंने इस फिल्म में काम किया था। फिल्म में इन दोनों के अलावा कल्कि और आदित्य भी इम्पोर्टेंट रोल में नजर आए थे। लोगों को रणबीर दीपिका की जोड़ी इतनी पसंद आई थी कि इसने बॉक्स ऑफिस पर 188 करोड़ 57 लाख रुपए की कमाई की थी और ये रणबीर कपूर के करियर की दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। नंबर 3, ऐ दिल है मुश्किल। रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा की ये फिल्म भी लोगों को काफी पसंद आई थी। फिल्म में एक तरफा प्यार की कहानी दिखाई गई थी। करण जौहर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म साल 2016 में दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी। फिल्म में रणबीर और अनुष्का के अलावा फवाद खान और ऐश्वर्या भी सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 112 करोड़ 48 लाख रुपए की कमाई की थी। बता दें कि रणबीर की इस फिल्म का मुकाबला अजय देवगन की शिवाय से हुआ था, लेकिन कपूर खानदान के चिराग ने अजय को मात दे दी थी और ऐ दिल है मुश्किल रणबीर की तीसरी 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली फिल्म बनी। नंबर 4, संजू। इस फिल्म के लिए रणबीर कपूर ने बहुत मेहनत की थी। संजय दत्त को कॉपी करने से लेकर उनकी तरह दिखने के लिए रणबीर ने दिन रात एक कर दिए थे और जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो लोग रणबीर की एक्टिंग देख कर दंग रह गए थे। लोग समझ ही नहीं पाए कि ये फिल्म में रणबीर ने रोल प्ले किया है या खुद संजय दत्त ने। बता दें कि राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 342 करोड़ 52 लाख रुपए की कमाई की थी और पिछले साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। तो ये थी वो फिल्में जिन्होंने रणबीर कपूर के करियर में चार चांद लगा दिए। इन फिल्मों के अलावा उनकी फिल्म रॉक स्टार, वेकअप सिड, तमाशा और राजनीति भी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। वैसे आपको रणबीर की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।